हे गाइस, आप देख रहे हो फंडा टू टेक। दोस्तों, लंबे समय से एक ही गाड़ी को चलाते से लोग बोर हो जाते हैं। ऐसे में लोग बाइक हो या स्कूटी, उसे भीड़ में अलग दिखाने के लिए मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि जमाना आज स्टाइलिश और मॉडिफाई है। क्या आपको पता है कि हल्के फुल्के बदलाव को छोड़कर अन्य बड़े मॉडिफिकेशन के लिए आपको RTO से अनुमति लेनी पड़ती है। यदि आप परमिशन ना लेकर खुद से मॉडिफिकेशन कराते हैं और आप पुलिस से पकड़े जाते हैं, तो ऐसे में आपको भारी जुर्माना यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, बाइकर्स के कुछ ऐसे भी जो बाइक की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए तथा स्टाइलिश लुक के लिए मॉडिफाई कराते हैं। किसी बाइक को मॉडिफाई कराना कहां तक सही है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के जमाने में क्या है कि लोग अपने आप को स्टाइलिश और लुक देने के लिए अपनी बाइक को मॉडिफाई करवा लेते हैं। आज के जमाने में लोग टीवियों में देखकर, फिल्मों में देखकर बाइक को मॉडिफाई कराते हैं। यूट्यूब में एक से एक ऐसे चैनल है जो पुराने बाइक को अच्छी तरह से मॉडिफाई करवा देते हैं। और दोस्तों, आज बता दें आपको कि मॉडिफाई कराने में अच्छे खासे पैसे भी लगते हैं। विदेशी बाइक का लुक देने के लिए लोग अपने बाइक को मॉडिफाई करवाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मॉडिफिकेशन के मामले में कोर्ट ने 2019 में एक मामले में फैसला सुनाया, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया, जबकि कुछ को अनुमति दी गई है। अगर आप प्रतिबंधित मॉडिफिकेशन कराते हैं तो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द भी किया जा सकता है या ₹5,000 तक का जुर्माने का प्रावधान है। तो दोस्तों, आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं? दोस्तों, फिलहाल में आप बिना परमिशन के छोटे मोटे चीजों में बदलाव कर सकते हैं, जैसे आप इंजन बेली, टेल टीडी, डिकल्स, विंजर्स, विंगलेट आदि को चेंज करवा सकते हैं। जानकारों का कहना है कि इन बदलावों से बाइक की मूल खासियत में बदलाव नहीं होता। हाँ, आप टायर भी बदल सकते हैं, परंतु उस मॉडल के वेरिएंट को ये सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप मॉडल फिट ना होने वाले टायर लगाते हैं तो यह अवैध माना जाएगा। दोस्तों, हम लोग आगे जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें मॉडिफिकेशन के लिए प्रतिबंधित है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बाइक की चेचिस और इंजन को छोड़कर सारी चीजें बदली जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने कभी एग्जॉस्ट चेंज कराया है तो आपने ट्रैफिक पुलिस से, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं कि एग्जॉस्ट को चेंज कराने के साथ ही उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है, पुलिस उस पर भारी जुर्माना लगाती है। इसके अलावा अगर आप साइलेंसर को खोल देते हैं, ओपन साइलेंसर होता है, तो इस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। इंजन में बदलाव, बाइक के डिजाइन को अलग कोई पार्ट फिट करना भी प्रतिबंधित है, जो बाइक की मूल डिजाइन को बदल देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप टैंक भी बदल रहे हैं तो आपको उसी कंपनी का टैंक लगवाना होगा। और यहां तक यह भी है दोस्तों कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपनी बाइक का हम कलर चेंज कर दें, लेकिन बिना RTO की मदद लिए, यानी RTO से परमिशन लिए बिना अगर आप अपने बाइक की कलर को चेंज करते हैं और आप पकड़े जाते हैं, तो यहां पर भी आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार बाइक का रंग और इंजन बदलना प्रतिबंधित है। अगर आप बदलने की सोच रहे हो तो इंजन बदलने के लिए आपको RTO से NOC लेना होगा। फॉर्म में आपको मेंशन करना होगा कि आप कौन से रंग से अपनी बाइक को रंगने वाले हैं, नियमों के अनुसार यह रंग मान्य होगा या नहीं, इस पर RTO ऑर्डर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इंजन बदलवाने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना पड़ता है। इंजन में संशोधन के लिए एक और भी शर्त यह है कि पुराने और नए दोनों इंजन को एक ही ईंधन में चलाने चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं। अपने बाइक को अगर आप मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं तो आप सोच समझ कर मॉडिफिकेशन कराएं, आप RTO से परमिशन ले लें, तभी बाइक को मॉडिफिकेशन कराएं या उसका रंग चेंज करें, नहीं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट आने के बाद अब कड़ाई से देखा जाता है, लोगों की बाइक को समझा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको पसंद आया है कि नहीं। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। वीडियो पसंद आया लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।